जिला मिर्जापुर थाना क्षेत्र अदलहट ग्राम रशूलपुर घरों में किया गया ताजिया आलम की स्थापना। जिला मिर्जापुर ग्राम रशूलपुर घरों में किया गया ताजिया आलम की स्थापना। वहीं गांव के कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग सरकार के गाइडलाइंस का पालन किए और हजरत इमाम हुसैन की शहादत सालाना यादगार और फातिया अपने घर में पढ़े और बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोग अपने त्यौहार को मनाएं। सुन्नी जमात के सभी लोगों का यही कहना था कि इस महामारी में हम लोग अपने बच्चों को घर से बाहर या भीड़ भाड़ लगाने की इजाज़त नहीं दिए। वहीं पर रशूलपुर निवासी अलीम भाई का कहना था कि काम फराइज की तरह हमने किया है, जब वतन मांगा है लहू हमने दिया है, रोजा नमाज तेरी इबादत के वास्ते, गंगा तेरे पानी से वजू हमने किया है। बस यही कहते हुए अलीम भाई की आंखों से आंसू छलक उठे। जिला मिर्जापुर से क्राइम ब्यूरो चीफ साले हसन की खास रिपोर्ट। सर नाम बताएं। अलीम। ये बताइए कि ये गांव कौन सा है? यहाँ पे ताजिया का क्या माहौल है, किस तरीके से मुहर्रम को मनाए लोग, थोड़ा सा बयान कीजिए, बताइए। माहौल यही है कि अपने अपने घर में सबके मनाए और इमाम चौक पर आपके सामने ही है, देख रही है। ताजिया घर पे है। ताजिया बना या नहीं बना? नहीं बना। मतलब आप लोग अपना इबादत या पूजा पाठ बड़ी शांतिपूर्ण आराम से मनाया? हाँ सर, बीत गया सर। कोई दिक्कत कोई कष्ट? कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं।